सहायता ऑफ पब्लिक डी न्यूज यानी कि ग्वालियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की मुख्य स्टोरी। जिला प्रशासन कार्य पालिका नगर निगम ग्वालियर के संयुक्त तत्वावधान में बृहद विधिक सहायता शिविर का आयोजन नवीन पार्क कांच मिल हजीरा पर किया गया। इस बृहद विधिक सहायता शिविर में दिव्यांगों को उनकी जरूरत के मुताबिक सामग्री का वितरण किया गया। शिविर में एलिमको द्वारा चिन्हित दिव्यांगों को सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम स्थल पर संस्था द्वारा पूर्व से ही चिन्हित ऐसे शहरी हितग्राही जिन्हें सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी, उन्होंने एलिमको द्वारा जारी मूल पर्ची पहचान पत्र दिखाकर अपना सामान प्राप्त किया। शिविर में विभिन्न सेवाओं से जुड़े 26 काउंटर लगाए गए थे, जहां लोगों की समस्याओं को निपटाया गया। जिला न्यायाधीश महोदय, उपस्थित सभी हमारे अधिकारी, वरिष्ठ हमारे सभी अधिकारी, सभी को हमारा नमस्कार। नगर निगम की जन कल्याणकारी, श्रम कल्याणकारी और डे एनुलम से संबंधित सभी विभिन्न प्रकार के लाभ हैं, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। सभी अधिकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पांच तरह के प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी और जो पासपोर्ट साइज के फोटो, ये सभी इन हितग्राही योजनाओं के हर हर जन के अंतर लोक सेवा आई टी के अंतर और नगर निगम में डेढ़ जन कल्याण और जन कल्याण सभी में है। इसलिए सभी हितग्राहियों से निवेदन है कि अगर किसी तरह से कोई बदनीति भी आ जाता है तो जितना ये सारे आवेदन ये लगा करके अपने इतलाम ले सकते हैं। इतलाम में जागरूकता से सशक्तिकरण इस आशय के साथ आरंभ हुए इस शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर श्री भगवत प्रसाद सहायक समायुक्त, डॉक्टर अतिवन सिंह यादव कार्यपालन यंत्री नगर निगम, श्री शालीन शर्मा महिला बाल विकास, श्री एस एस यादव CMHO, श्री राजीव सिंह सामान्य न्याय विभाग, माननीय जिला न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक, न्यायमूर्ति श्री शील लागू ने अपने बात प्रकट की। कार्यक्रम के अंत में श्री शिवकांत गोयल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी का आभार प्रकट किया। इसी कड़ी में हमारे जस्टिस आदरणीय आनंद पाठक साहब भी हाजिर हुए हैं, उन्हें स्वागत करें। हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन। इसी कड़ी में हमारे जैसे आदरणीय विवेक अग्रवाल साहब भी राजी हुए हैं, उनके स्वागत के लिए मैं एक तालियां वंदन और अभिनंदन। हमारे जैसे माननीय आदर बहुत बहुत तालियां करें, तालियों से उनका वंदन अभिनंदन। मंचासीन उनका हार्दिक स्वागत वंदन। मंचासीन डॉक्टर इसके अध्यक्ष श्री कृष्णा जी बता चुके हैं और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आए और मंचासी हों और मंच पर वो पदार्थ का अध्यक्ष करें। आए मित्रा जी बैठे मंचासी मंच पर मिश्रा जी का स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। और मिश्रा जी मंचासी हो रहे हैं, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। उनके स्वागत के लिए हमारे की उपस्थित मंत्र के नाम आए ग्वालियर समाज ग्वालियर श्री शर्मा जी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर की शहरी जिलाध्यक्ष राहुल जैन साहब और कमिश्नर नरेंद्र सिंह विनोद शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित श्री अजय मिश्रा जी, न्यायमूर्ति जी जस्टिस आरुणमूर्ति श्री लागू साहब, मंचासीन माननीय सभागण, न्यायमूर्ति श्री अनु पाठक जी, न्यायमूर्ति श्री धर्माधिकारी साहब, न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल साहब, न्यायमूर्ति श्री अग्रवाल यादव, न्यायाधीश मंचासीन आदरणीय कमिश्नर साहब, मंचासीन मेरे साथ ही एस एस पी डॉक्टर आशीष जी, उपस्थित अनिल मिश्रा जी, आयुक्त नगर निगम, उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण,
देवे सज्जनों सरकार साथियों, आज का जो शिविर है ये बागेश्वर सशक्तिकरण की थीम पर रखा गया है। और आप सब जानते हैं कि शासन की जितनी योजनाएं हैं उनमें पात्रता और डिस्क्वालिफिकेशन, कौन पात्र होगा कौन नहीं होगा ये बहुत स्पष्ट स्कीम में ही लिखा रहता है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं अक्सर कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपात्र लोग भी काफ़ी प्रयास करते हैं और उनको जानकारी नहीं होने के कारण लाभ भी नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं वो किसी कार्यालय के बाहर कोई ऐसे लोग उनको मिल जाते हैं जो कि उनको गुमराह भी कर देते हैं। तो मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूरी टीम को और माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब को धन्यवाद मिला कि उन्होंने इस विषय को लेकर यहाँ पर यह शिविर आयोजित किया। और जितने भी शासन की योजनाएँ हैं उनको प्रदान करने के लिए समय समय पर बहुत सारे आयोजन होते हैं। निरंतर योजनाओं को लेने के लिए भी आपको जानकारी चाहिए है तो हम लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जैसे वहाँ प्रवेश करते हैं विंडो बनाए, वहाँ पर बाजू में ही लोक सेवा केंद्र चल रहा है। सुशासन की दिशा में मध्य प्रदेश शासन में बहुत ही सजग कदम है नागरिकों को उनके अधिकार देने के लिए। हमारी सेवा देने में विलम्ब करते हैं तो हमें अपील का प्रावधान किया गया है। जैसा अपील जो कि पदाधिक अधिकारियों के जो इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो होते हैं, जो कि अपील अधिकांश मामलों में कलेक्टर को बनाया गया है। और दूसरी अपील स्तर पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी अनुमान को दिया गया है और ये जुर्माना जो दोषी है विलम्ब करने के लिए उनसे वसूला जाता है और सरकारी खजाने में जमा किया जाता है और निर्णय लेते ही सरकार के खजाने से जुर्माने की राशि पीड़ित व्यक्ति को दिलाई जाती है। तो ये लोक सेवा बनाए जाने की अधिनियम के तहत जिले में 9 लोक सेवा केंद्र चल रहे हैं, ग्वालियर शहर में 5 लोक सेवा केंद्र चलते हैं। मैं अनुरोध करूँगा सभी लोगों से कि आपके यदि कोई भी काम नहीं हो रहे हैं आप इन केंद्रों में जाइए, अपना आवेदन दीजिए और पावती के लिए इस तरह की डेट लिखी रहती है। लोक सेवा केंद्रों में एक कदम और बढ़ाया गया है मध्य प्रदेश शासन ने, अभी एक नया कदम इसमें आगे बढ़वाया है, वो है समाधान एक दिन। समाधान एक दिन के माध्यम से करीब 45 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। ये 45 सेवाओं में आय प्रमाण पत्र भी है और भी ऐसी सेवाएं हैं जिनका निर्णय उसी दिन लिया जाना है। समाधान एक दिन के दिन आवेदक प्रातः 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में भी अपना आवेदन लोक सेवा केंद्र देता है तो उसको उसी दिन सेकेंड हाफ में लंच के बाद उन सेवाओं का निराकरण करके उसको दे दिया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने सभी लोक सेवा केंद्रों में रोस्टर से ड्यूटी लगाई हुई है। यदि वो सेवाएं 45 सेवाएं 15 लाभों की हैं लेकिन एक अधिकारी उन सभी 15 लाभों के लिए उस दिन उस सेवा के लिए प्रभावित अधिकारी बना दिया गया, उसका काम यह है कि वो सारी 45 सेवाओं के आवेदन जो प्राप्त होंगे उनको और पूरा सिस्टम पोर्टल पर है वहीं पर उनको प्रोसेस करना है, वहीं निर्णय करना है और उसकी जो प्रमाण पत्र है वो प्रिंट निकाल के लोक सेवा केंद्र के माध्यम से उस आवेदक को दे देना है। तो समाधान एक दिन की सेवा अभी वर्तमान में कलेक्ट्रेट में लोक सेवा केंद्र है वहाँ पायलट के बेस पर चल रही है। इसके अलावा अन्य जगह पर बहुत जल्दी अन्य केंद्रों पर अतिथि शुरू होगी। लोक सेवा बनाए कारण की अधिनियम यहाँ खत्म नहीं होता है, ये अधिनियम सभी कार्यालयों पर भी लागू होता है। यदि आप सीधा किसी कार्यालय में आवेदन लेने जाते हैं तो वहाँ आपकी पावती जरूर लें, वो सेवा की लोक सेवा गारंटी अधिनियम में पता नोटिफाइड सेवा है तो सेवा का समय सीमा कार्यालयों में भी लागू होती है। और यदि वहाँ भी विलम्ब किया जाता है तो वहाँ भी यही प्रावधान है क्योंकि जुर्माने के प्रावधान में अपील करने पर या फिर चौथे अपील में जो अपीली अधिकारी है तो उसको निर्णय कर सकते हैं। आज के शिविर के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि उनको एक 90 दिन का अपना एक एफिडेविट सब पर भेजकर और अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन ऑनलाइन होता है और उसके बाद आपका जो कार्ड है वो वैलिड हो जाता है। इसके बाद आपको बहुत सारी सामाजिक सुरक्षाएँ इस कार्ड के माध्यम से मिलती हैं जिनमें कि आपके बच्चों की बच्चों के जब स्कूल भेजते हैं तो हर वर्ग के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति जो शासन द्वारा नॉर्मल छात्रवृत्ति दी जा रही है और उसके अलावा ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बच्चों के लिए अलग से छात्रवृत्ति है। पहली कक्षा से लेकर PhD पर पहली दूसरे के लिए हर कक्षा में उस मजदूर का बच्चा आगे बढ़ता जाएगा और उसको कर्मकार मूल्य की छात्रवृत्ति मिलती जाएगी। उस परिवार की बेटी की शादी यदि होती है तो 25,000 रुपये बेटी की शादी के लिए अलग मिलता है जो कि उसमें सामूहिक विवाह में जाने की आवश्यकता नहीं है। इंडिविजुअल विवाह में भी इस योजना में लाभ मिलता है। ऐसे कई लाभ हैं जो कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में
बहुत सारे बीमा की योजनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ये बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, इन स्टॉल का जरूर भ्रमण करें और इन योजनाओं को समझें। आज मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे की गर्भ धारण करने से लेकर एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार की सहायता तक की पूरी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन में है। अगर मैं जो योजनाएं व्यक्ति के प्रारंभ से लेकर चेकअप काल से लेकर अंतिम यात्रा तक की जो योजनाएं मध्य प्रदेश शासन से जो चल रही है उनका उल्लेख करने अगर मैं बैठूँ तो फायदे बेटे को कम नहीं लगे। अभी कलेक्टर साहब बता रहे थे लोक सेवा केंद्र, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के बारे में। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य था जिसने लोक सेवाओं को समय सीमा में देने के लिए कानून बनाया और आज लगभग 300 सेवाएं उसमें ऐसी हैं जिनको समय सीमा में देना जरूरी है या इसलिए मदद करते हैं। एक प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें हम हर बच्चे घर वाले को 2022 तक पक्का मकान बनाने का प्रावधान है। केवल जानकारी ही सभी बातों को पूरा नहीं करती, उसके साथ अधिकार के साथ पात्रता भी हमें होनी चाहिए, तभी हम शासन की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकते हैं और उन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो सकता है। इस तरह की भी हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मान्य बाबा जागरूकता और सशक्तिकरण के दो बहुत बड़े प्रश्न आज जिन पर पूरा कार्यक्रम आधारित है उनके बारे में मैं बहुत संक्षिप्त करूँगा। और एक चीज़ और जो एक बड़ी यूनिक चीज हुई है, जो पहली बार हुई है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का एक संगम जो आज देखा गया है उसके पीछे एक कारण है। न्यायपालिका का जो प्री लीगल एज निःशुल्क न्यायदान का जो प्रक्रिया है जो संविधान में दी हुई है और हम सब उसको कर रहे थे पिछले कई वर्षों से, उसमें बहुत सारे लोग जो न्यायालयों में आते थे और जिनके पास इतने साधन नहीं होते थे उनको निःशुल्क न्याय सेवा मिलती थी। ये उन्हीं को मिलते थे जो न्यायपालिका के दरवाजे तक आते थे, जबकि निःशुल्क न्याय पाने के जो पात्र थे वो बहुत ज़्यादा थे। मेरे ख्याल से 10-15% ही न्यायालय के दरवाजे तक पहुँच पाते हैं। फिर जो लीगल एड की बॉडी है जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट और यूनियन लेवल में है उन्होंने जागरूकता का कार्यक्रम शुरू किया कि हम हितग्राहियों को जागरूक करें। उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर जुड़े, उसमें पैरा लीगल वॉलंटियर जुड़े, उसमें NGO जुड़े, हमारे न्यायाधीश गण जुड़े, अधिवक्ता गण जुड़े, सभी लोगों ने मदद करी जिससे कि जो न्याय के दरवाजे तक आने की संख्या कम थी वो बढ़ने लगी। मगर उसके बाद ये देखा गया कि और कार्यक्रम सफलता की ओर जाता है और उनके आभारी हैं उनके पूर्ण से और कार्यक्रम में हमारे मंचा से अभिषेक द्वारा किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न योजनाओं की जो भी इंसान लगे हुए हैं सभी का मंच से विभिन्न कराया जाना समय को देखते हुए संभव भी नहीं हो पाता और आज एक अच्छा और एक अच्छा अवसर है। आज पल्स पोलियो डे है, जैसा हम जानते हैं कि हमारे 5 साल से छोटे बच्चों के लिए पल्स पोलियो का जो ड्रॉप लाया जाता है और उनकी विकलांगता को दूर करता है साक्षी बने। मित्रता से पहले कितने ड्रॉप किए आपने दवाई के? वेरी गुड, मजदूर की बेटी हमारी गंगा है और
कि उधर नहीं बनाया है, किसी बनाया है उनका इधर आ गया था साथ में आई है उसमें आज के लिए स्कूल में लग रहा है माँ लक्ष्मी है और उसने एक साथ के आज के दिन स्कूल मुरान में एम एल जी में पढ़कर शिक्षा हासिल की है और जाति परसेंट में और नाम सामने उनको चाबी की योगा सामने पिता शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पीएलसी द्वारा प्राप्त किए गए फॉर्म जो संबंधित विभागों को प्रेषित किए गए थे उनका निपटारा भी शिविर स्तर पर ही किया गया है। उनका विवरण इस प्रकार है। असंगठित क्षेत्र के स्वनिर्माण श्रमिकों की मजदूरी कार्डों का वितरण 668 घरेलू कामकाजी महिलाओं के पंजीयन कार्ड का वितरण 162 इंदिरा गांधी वृद्धावस्था विधवा सामाजिक कन्या अभिभावक पेंशन या दिव्यांग विकलांग पेंशन 44 दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 154 और दिव्यांग विकलांग मंद बुद्धि हितग्राहियों को एलिंको द्वारा निर्मित विकलांग उपकरण ट्राईसाइकल मोटरसाइकिल चश्मा मिक्स श्रवण मशीन दृष्टि बाधितों को स्मार्ट मोबाइल फोन और ईयरलेस एंड साउंड यूनिट इत्यादि 160 साइकिल प्रदान कराने में मदद करने का सफल इस प्रकार 188 विभिन्न प्रकार के उपरोक्त हितग्राहियों को पंजीयन कार्ड एवं सामग्री वितरण की गई तथा 450 नवीन पंजीयन हेतु सामाजिक कार्ड इसी अवसर पर एक मजदूर पालक की बालिका को 25,000 नगद की आर्थिक सहायता दी गई है। तो वहीं नन्ही मंत्रिता शर्मा ने पोलियो अभियान को दुकान के लिए 50,000 रुपए राशि की सहायता प्राप्त हुई है, लोन प्राप्त हुआ है। इस दुकान को निश्चित रूप से अपनी दुकानदारी करेगा, रोजगार करेगा और अपने परिवार को खुशी की व्यवस्था करेगा, किराने की दुकान संचालित करेगा और 50,000 रुपए की राशि सहायता उसके पास हुई। इसके बाद लोगों को देखकर वह उनसे सहायता प्राप्त करेंगे, क्या क्या उसमें एमआर जिसमें कई आइटम है और उनको किट प्रदान की गई जस्टिस महोदय द्वारा। ओम प्रकाश पिता नाम गोपाल ठाकुर सिंह पिता को और लोग आए और एमआर के प्राप्त हुई दिव्यांग भाई को उनको सुबह कार्ड प्रदान करते हुए और बहुत खुशी खुशी उसने कार्ड ग्रहण किया और बात को देख रहा है। अर्जुन सिंह भी उन्हें कार्ड प्रदान करते हुए और भारतीयों पिता है झोपड़ी से लेकर महल और तलवार से लेकर तोप का निर्माण किया जाता है बिना मजदूर के सहायता और सहयोग से कोई भी कार्यक्रम संभव नहीं। श्री लालू साहब के एवं मंच पर आते मान्य न्यायमूर्ति श्री We'll be right back.
के बाद यह पंजीयन इनका कराया जाएगा और इनका वितरण इनके संबंधित जनमित केंद्रों पर ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।